हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो मैं खास करके आप ही के लिए बना रहा हूँ अगर आप ईएमआई पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप बैंक से लोन लेके सही टाइम पे उसकी किस्ती या ईएमआई पेमेंट करने में फेल कर रहे तो क्या उपाय है जिससे आप बच सकते हैं। अगर आप ईएमआई समय पे नहीं देंगे तो उसका रिपरकेशन है कि आपको इंटरेस्ट देने होंगे, पेनल्टी भी देने होंगे, आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन हो जाएंगे, बैंक से लोन मिलने का जो एलिजिबिलिटी है वो भी डाउन हो जाएंगे, और बैंक और दूसरा जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां से लोन दिया जाता है वहां पे आपका एक बैड इंप्रेशन भी आ जाता है। तो सवाल है कि अभी क्या करें, अभी हम लोगों को सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। देखिए, आपको जो लोन मिला है वो जो बंदा ने लोन दिया है यानी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, उन लोगों के लिए ये एसेट है। अभी एसेट का क्लासिफिकेशन भी होता है, जैसे आप लोन लिए तो ये ही लोन बैंक के लिए एसेट बन जाते हैं, ये एसेट का क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर आप सही टाइम पे ईएमआई पेमेंट करते तो उसको कहा जाता स्टैंडर्ड एसेट, पर वहीं पे अगर आप समय पे बैंक का ईएमआई नहीं पेमेंट करते तो धीरे धीरे ये एसेट का जो क्लासिफिकेशन है वो डाउनग्रेड यानी नीचे चले आते हैं। पहले होते हैं स्टैंडर्ड, फिर हो जाते हैं सब स्टैंडर्ड, फिर हो जाते हैं डाउटफुल, और फाइनली हो जाते हैं लॉस, जिसके बाद आपका जो लोन है उसको एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यहीं पे समझना है कि आपका जो लोन है उसका डाउनग्रेडेशन से आपको उस लोन को बचाना है। अब आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन नंबर वन, अगर आप बैंक से लोन लिए हो तो ईएमआई में दो पोर्शन होते हैं, एक है प्रिंसिपल और दूसरा है इंटरेस्ट। मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम इंटरेस्ट वाला पोर्शन जो है वो बहुत ही कम वाला पोर्शन होता है, वो आप जमा कर दीजिए, या फिर आप ईएमआई का 1/10 पोर्शन जमा कर दीजिए। मान लीजिए कि आपको हर महीना 25,000 रुपए का ईएमआई भरना पड़ता है, पर आप अभी जो फाइनेंशियल सिचुएशन पे हो उसमें इतना पैसा या इतना रकम आप बैंक में जमा नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपए आप हर ईएमआई पे जमा करते जाइए। आते हैं सोल्यूशन नंबर टू पे। आपको अल्टरनेटिव फंडिंग के बारे में सोचना है, जैसे फ्रेंड्स, रिलेटिव या ऑफिस से आपको एडवांसेस वगैरह लेने होंगे, और ये पैसा लेके धीरे धीरे आपका जो ईएमआई है उसको सेटल करते जाना है। थर्ड पॉइंट है कि अभी आपका जो घर गृहस्थी का खर्चा है उसको आपको थोड़ा सा डिफर करना है। देखिए, बहुत सारा खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको करना ही है, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस, बच्चों का पढ़ाई, इसमें आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पर जो दूसरा खर्चा है उसको आप जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट टाइम को थोड़ा सा लैग कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड। तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करके 15 दिन या 20 दिन तक क्रेडिट ले सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, 15 दिन के लिए आपके पास पैसा आ गया, उस पैसों का आप ईएमआई पेमेंट में यूज कर सकते हो। अब आ जाते सोल्यूशन नंबर फोर पे। हम सबके घर में ऐसा बहुत सामान पड़ा होता है जो कोई काम का नहीं होता है, पर अगर वो सामान हम लोग बेच देंगे तो हो सकता है कि उससे अच्छी खासी पैसा आ जाए। तो ऐसा सिचुएशन पे अगर आपके घर में कोई ऐसा अनयूज्ड आइटम है तो उसको सेल कर दीजिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर फाइव पे। आप जो भी खर्चा कर रहे उसमें अगर कुछ लग्जरी एक्सपेंसेस है वो आपको अभी बंद करना है, जैसे कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी आपको भी बंद करना है, अगर आप ओला उबेर में ट्रैवल कर रहे हो तो उसको बंद करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, अगर आपके घर के सारे मेंबर्स ओटीटी जैसे अमेजोन ऐसा है जो आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसमें सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो उसको भी बंद करने होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जितना बेफिजूल का खर्चा है सारा खर्चों का भी आपको बंद करने होंगे। अब आ जाते सोल्यूशन नंबर सिक्स पे। अभी आपको पार्ट टाइम इनकम या एक्स्ट्रा इनकम की तरफ आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप ही करेंगे, आपका घर में अगर चारों मेंबर है तो सबको बोलिए थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूशन करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो आप उनको बोलिए कि बेटा तुम एक काम करो, तुम मॉर्निंग को या इवनिंग को दो ट्यूशन लगा लो। तो उससे क्या होगा कि वो बंदा अगर महीने का 2,000 से 2,500 रुपए भी कमाता है तो धीरे धीरे ऐसा पैसा को अगर आप एकुमुलेट करते जाएंगे
तो आप क्या होगा कि ईएमआई पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके का सोल्यूशन नंबर 7, 8, 9, 10 और भी बहुत सारे सोल्यूशन है, पर मैं सारा सोल्यूशन एक ही वीडियो में यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं सारा सोल्यूशन यहीं पे दूंगा तो क्या होगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको और भी सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अभी का अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाला जो वीडियो है उसके लिए आप वेट कीजिए, क्योंकि वहीं पे मैं और भी बहुत सारे सारे ऐसे अट्रैक्टिव सोल्यूशन लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।